Hello friends, uh, welcome to the platform of Darshanik IS. This is uh, Akshay Kadam. So guys, uh, I hope you have checked out uh, my YouTube channel and previous uh, lesson that I have uh, recorded. Especially yesterday guys, uh, I have uploaded a video uh, about uh, uh, how to write or structure your essay. देर आई हैली ऑर्गेज द फ्लो ऑफ यूर एसे स्ट्रक्चर ऑफ दू गो थ्रू दैट विडियो इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प तो आज के लेक्चर में गाइज में uh, uh, के राइटिंग के बारे में कोई टिप्स नहीं देने वाला रादर गाइज टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू समीवियस ईयर क्वेश्चन ओके सो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जो भी पी वाई क्यूज है ऐसे पेपर के यूपीएससी के या फिर आ, आ, कुछ ऐसे टॉपिक जो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी इन पे ऐसे पूछ सकती है ओके okay, तो ऐसे टॉपिक टॉपिक्स में अभी आ, डिस्कस करूंगा एक छोटे छोटे दस दस, दस पंद्रह मिनट के आ, अलग अलग रिकॉर्डिंग्स आई विल अपलोड जिसमें आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस पेपर स्ट्रक्चर एंड कंटेंट सो फोकस विल बी अगर ये टॉपिक और इस तरह का कोई टॉपिक आता है वॉट कंटेंट यू शुड बी राइटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन होता है कि क्या लिखे समझ नहीं आ रहा Exactly. So, what you should be writing, exploring, what aspect will focus on. So, structure, ke, uh, sat sat, we will be discussing the content. Okay, what to write in the essay. How to write the essay, we discussed uh, in the previous lecture. So, guys, let's say uh, uh, today's topic that we'll discuss is technology is a major reformer of women's rights. Now, this topic I think UPC will ask, it's a very important topic. Okay, that technology is the major reformer of women's rights. तो आपको ये टॉपिक पे ऐसे लिखना हो तो क्या आपका कंटेंट इंट्रोडक्शन वगैरह होना चाहिए ओके सो स्ट्रक्चर ऑफ द एसे में गाइज आप आ, पहले यू स्टार्ट यूर एसे विद इंट्रोडक्शन अब इंट्रोडक्शन में मैंने बोला है कि आपने आपको जो ऐसे टॉपिक आया है यू एस्टैब्लिश इट विथ सॉट स्टोरी कोट एक फैक्ट के साथ ओके okay. तो इसमें गाइज आप बहुत सारी कोई फैक्चुअल चीज या करंट अफेयर की चीज लिख सकते हो कि आ, आज ही ऐसे क्यों पूछा गया ये ऐसे का क्या रिलीवेंस है

Okay, we will go ahead discussing what is women's rights or how uh, uh, what 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 do you understand by women uh, empowerment? Okay, uska definition part we will discuss. Then we will see some historical aspects how technology in the past okay acted as a major reformer, feminist force uh, 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 to ensure or uh, establish women's rights. Okay, so this kya kya Then today, what problems female face and how technology can play a role. Okay, वो भी आस्पेक्ट एंड उसके सोल्यूशन टू एड्रेस रिफॉर्म दूमेन राइट तो यह पूरा आउटलाइन ऐसे काइट्स ओके सो हाउ दे आर मेजर वुमेन एम्पावरमेंट आप कैसे मेजर करते हो इस पर फोकस करना Okay, अब डेफिनेशन में फिर ये बहुत पोलिटिकल सोशल कल्चरल एम्पावरमेंट हुआ है उससे मेजर किए जाते हैं सो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स लीगल राइट्स पोलिटिकल राइट तो अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करो कि आज वुमेन राइट right की जब हम बात करते हैं तो वट इज व्यूमेन राइट कितने ब्रॉड कंसेप्ट है इस वो लिखने के बाद वर्ड 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 तो आपका 75 intro, 75 मार्क मार्क का का इंट्रो आउटलाइन देन 100 word, 250 पास्ट में कोई आपके पास ऐसा सॉलिड एग्जाम्पल है हिस्ट्री okay, uh, में कि जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी में अपडेट हुआ और फीमेल के राइट्स बहुत ज्यादा एम्पावर हो गए क्लासिक एग्जाम्पल इज गाइज एंटीबायोटिक रिवोल्यूशन पूरी फेमिनिस्ट मूवमेंट दुनिया में लाने का कॉन्ट्रीब्यूशन है ये टेक्नोलॉजी और साइंटिस्ट लोगों का क्योंकि पहले औरतों का एक ही काम हो, 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 होता था हजारों साल ओके दर टास्क वॉज ओनली बेबी मेकिंग मशीन बच्चे पैदा करो जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके ओके okay, छेचे बच्चे पैदा करो क्योंकि उनमें से हार्डली एक और दो जिंदा रहेगा डेथ रेट बहुत हाई था लेकिन जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ब्रॉड दिस एंटीबायोटिक रिवोल्यूशन और उसके बाद बहुत सारे जो एंटीबायोटिक आए उसकी वजह से नाउ लाइफ बिकम वेरी सिक्योर एंड सेफ फॉर दीमेल्स मैटर मोर्टेलिटी वगैरह या बच्चों के uh, जो पैदा होंगे छोटे मोटे जो डिजीजेस थे वो भी लोगों को uh, का बहुत ज्यादा डेथ रेट होता था लोगों में उसकी वजह से वो सारा एड्रेस कर दिया टेक्नोलॉजी okay, uh, uh, वो एंटीबायोटिक रिवोल्यूशन ने अब दो भी बच्चे पैदा हो दैट्स इनफ एंड गेम चेंजर तो इसलिए अब बीस uh, में शादी होगी पच्चीस तक दो एक बच्चे पैदा हो गए पूरी जिंदगी बाकी है विमेन के सामने क्या करे क्या ना करे ओके okay, और इसी से आगे पैदा हुआ आपका फेमिनिज्म एज अ फोर्स तो एक 100 एक वर्ड में आप ये स्टोरी से से एक्सप्लेन करो या uh, uh, एक स्टडी कि कैसे एक एंटीबायोटिक रिवोल्यूशन वन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ने इतनी दुनिया बदल दी ओके okay, अब ऐसे आप भी कोई अपनी दूसरी कोई स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्टोरी हो एग्जाम्पल हो टू जस्टिफाई आप वो लिख सकते हो उसके बाद गईस सो so, uh, एक थ्री हंड्रेड वर्ड्स तक आपका ऐसे गया अब आगे के 400-500 वर्ड विच इज द कोर आर्ग्यूमेंट ऑफ द एसे मेन बॉडी जॉब की होनी चाहिए तो एक्सप्लेन हाउ टेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजीन टूडे ओके तो इसमें भी मैंने जो बताया था गाइस प्रीवियस लेक्चर में कि जितना हो सके मल्टी डायमेंशनलिटी पे फोकस करना मल्टी डायमेंशनैलिटी के चार्ट लिखना ओके okay? तो हाउ टेक्नोलॉजी इज एम्पावरिंग वुमेन तो हर एक एंगल पे सोचते जाओ कैसे टेक्नोलॉजी की वजह से फीमेल हो रही है फैमिली लेवल पे कैसे एम्पावरमेंट हो रहा है उनका ओके एजुकेशन लेवल पे कैसा इंपावरमेंट हो रहा है मीडिया लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल लेवल पे ओके okay. टेक्नोलॉजी uh, कैसे इजी कर रही है कम्युनिटी लेवल पे ओला उबेर जोमेटो स्विगी वो सारे जो एप्स आ रहे हैं सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे मोबाइल एप्स है एटसेट्रा uh, या हैंडहेल्ड गन्स निर्भया गन वगैरह तो टेक्नोलॉजिकल uh, टेक्नोलॉजी उनकी सिक्योरिटी में कैसे रोल प्ले कर रहा है ओके okay. हर एक एंगल से जितना ज्यादा मल्टी डायमेंशनल चार्ट मल्टी डायमेंशनल देखो वो ट्राई uh, करो सो okay? फिर so, इसमें जो देखोगे मैक्सिमम पॉइंट्स मैक्सिमम मार्क्स एक बेसिक फॉर्मूला के साथ आपको चलना है सो सो यूज मल्टी डायमेंशनलिटी चार्ट के मल्टी डायमेंशनल अप्रोच देन रिड्यूसिंग मसल पावर रोल ओके तो इसमें आप फोकस करो गाइस हाउ टू रिड्यूस द रोल ऑफ मसल पावर इन द टेक्नोलॉजी जो कर रहा है और इसी वजह से फीमेल इन कॉम्बैट रोल का इश्यू आ रहा है बहुत जगह पे ड्राइविंग जो पहले ट्रक्स आ, फीमेल कुड नेवर ड्राइव अब फीमेल कुड इजीली इवन ड्राइव ट्रक्स से लेके इवन आ, अदर कार्स और सोमान हर जगह पे टेक्नोलॉजी जो नए नए टूल्स बना रहा है मसल पावर जो बहुत बड़ा आ, हिंड्रांस था आ, एक प्रॉब्लम था फीमेल एम्पावरमेंट के लिए वुमेन राइट्स के लिए वो सॉल्व हो रहा है सो रिड्यूसिंग मसल पावर रोल उस पर आप लिख सकते हो बहुत कुछ इंश्योरिंग मोर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हुआ है, इतने सेक्टर में है बैंकिंग सर्विस इंडस्ट्री में जॉब्स है पहले हजारों साल जॉब एक ही नेचर के हो, होते थे मसल पावर के अब वी हैव इंटेलेक्चुअल जॉब्स न्यू टेक्नोलॉजिकल जॉब्स स्मार्ट जॉब्स जो फीमेल भी कर सकती है और अगर कोई फॉर्म ऑफ एम्पावरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो सबसे ज्यादा सोशल लीगल पोलिटिकल से वो होता है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आप इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दे दो बाकी एम्पावरमेंट अपने आप होगा ओके okay, और ये फीमेल में जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडिपेंडेंस की बात हो रही है दैट इज मोर बिकॉज ऑफ द दिस फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज जो कर रहा है टेक्नोलॉजिकल सेक्टर नए नए जॉब्स बनाए इंटेलेक्चुअल जॉब्स जो फीमेल आराम से कर सकती है टाइमली नेचर के जॉब्स ओके इजी मोबिलिटी लेस मसल पावर के जॉब सो टेक्नोलॉजी एम्पावर कर रहा है देन सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में भी बताया हाउ टेक्नोलॉजी इज इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द फीमेल्स मेकिंग इट इजी फॉर देम टू ट्रेवल फिर ओला उबे हो Uh, या बाकी यू डोंट हैव टू ट्रैवल टू होटल टू ऑर्डर समथिंग ओके घर पे ऑर्डर आ रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन डू यून वर्क फ्रॉम होम वो भी एक uh, अपने घर में बैठ के यू डोट्रिफरेंट लोकेशन टू टू डिफरेंट सिटीज अटेंड डिफरेंट मीटिंग्स और सो ऑन तो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी बी में भी बहुत ही काम आ रहा है देन मैनेज डबल बर्डन विद द ओके देन ये दाइज uh, uh, जो डबल बर्डन फीमेल को जनरली फेस करना पड़ता है कर के साथ वो ब्रेड अर्नर भी है तो ब्रेड मेकर ब्रेड अर्नर ये जो दोनों काम फीमेल को करने पड़ रहे हैं वो भी काफी ईजी हो रहे फीमेल के फीमेल इजीली कर पा रही है टेक्नोलॉजी की हेल्प की वजह से तो फिर वो छोटी छोटी एग्जाम्पल है आपका वैक्यूम क्लीनर हो या वॉशिंग मशीन हो आ, आ, या डिश वॉशर हो आ, ये सारी चीजें यार इवन रेफ्रिजरेटर आप खाना स्टोर कर सकते हो सो so हमेशा डबल कुकिंग ये सब uh, करना बच्चों को हैंडल करने के लिए या कॉन्टैक्ट विद देयर फैमिली थ्रू मोबाइल्स एंड ऑल अदर टेक्नोलॉजी सो दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग दैमिली लेवल रिड्यूसिंग द डबल बर्डन विद ओके देन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ओके okay, uh, अब फीमेल कूड इजिली एक्सेस इंफॉर्मेशन वेदर हेल्थ रिलेटेड हो या बाकी uh, 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 देर, uh, uh, जो सोशल मूवमेंट चल रही है क्या उनके लीगल राइट जो भी है ओके okay, इस पे दे कैन कोऑर्डिनेट और uh, गेट गूगल मोर इन्फॉर्मेशन और इंफॉर्मेशनल एम्पावरमेंट होता है तो बाकी एम्पावरमेंट भी नॉलेज आता है तो उसके साथ आ जाता है तो एक्सेस टू तो इंफॉर्मेशन भी बहुत ईजी बनाया हैंडी बनाया सो मच ऑफ इजी uh, एक्सेस टू सो मच ऑफ कंटेंट ऑनलाइन तो टेक्नोलॉजी वहां पर भी फीमेल की बहुत मदद कर रहा है देन ईजी कॉर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप ओके फिर कई टेक्नोलॉजी की वजह से फीमेल्स कुड़ क्रिएट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ग्रुप्स ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप्स हो या बहुत डिस्टेंट जगह पे अलग अलग कंट्रीज में अलग-अलग एरिया -अलग में जो फीमेल्स काम कर रही है, कोई चला रही है या कोई मार्केटिंग रिलेटेड भी चीजें हो कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर दे ऑर्गेनाइज विथ ईच अदर और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से जो उनके एम्पावरमेंट हो रहे जो एक दूसरे को हेल्प कर रही है उनके राइट्स रियलाइज हो रहे तो आप उस पर भी कुछ लिखो तो तो यहां तो मैंने छे सात ही फैक्टर्स दिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स मैंने मेंशन किया आप खुद लिख सकते हो तो जितने ज्यादा फैक्टर गई उतना ज्यादा मार्क तो ये कोर तो यहां पे पहले मैंने जो बताया कि पहले का फिलोसॉफिक डिबेट करो ओके कि कैसे मसल पावर वॉज प्रॉब्लम फॉर द फीमेल्स एम्पावरमेंट फिर मसल पावर जाने की वजह से फिर फीमेल इतने सारे जॉब्स कर रही है और एम्पावरमेंट कैसे आ रहा है तो फिलोसॉफिक आर्ग्यूमेंट फर्स्ट और उसके जस्टिफिकेशन के लिए कोई एग्जाम्पल बाद में तो फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी तो इस पर लिखो कि फीमेल के पास इकोनॉमिक इकोमिकमेंट है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है तो सोशल जस्टिस के लिए लोग अपने आप लड़ने लगते हैं तो यहाँ पे मैं अपनी मेड का एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे घर एक जो मेड आती है हर हस्बैंड इज टोटली गाय ओके एंड शी फॉर और खुद के uh, कमा के शी केयर ऑफ हर टू डॉटर शी गॉट मैरिड हर फर्स्ट डॉटर ऑन हर ओन एंड शी वाज टेलिंग मी कि मेरा पति मर भी गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता आई विल गेट माई सेकेंड डॉटर मैरिड ऑन माई ओन ये जो कॉन्फिडेंस है ओके एक मेड हो के भी ओके ये आने का रीजन बिकॉज शी इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट शी इज नॉट लीगली एजुकेशनली सोशली कल्चरली एम्पावर्ड बट शी इज फाइनेंशियली एम्पावर्ड तो दट्स वॉट फाइनेंशियल एम्पावरमेंट कैसे काम आता है सोशल जस्टिस में ये सारा लिखो फिर एग्जाम्पल मैं आप अपनी स्टोरी डाल दू यहां पर मेरे घर में मेड आती है जो मैंने अभी स्टोरी बताई अपने वर्ड में लिखो जस्टिफाई टू योर आंसर येस दिस इज द केस ओके okay, देन उसके बाद सो so बहुत सारे ये जो आस्पेक्ट है फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट फर्स्ट आपका एक्सप्लेनेशन उसके बाद में आना चाहिए फिर गाइज एक्सप्लेन हाउ टेक्नोलॉजी इज इंपैक्टिंग अब थोड़ा मैंने बोला ऐसे के साथ डिसएग्री भी करो कि टेक्नोलॉजी इज नॉट गुड गुड ऑल गुडी गुडी थिंग ओके उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी है जो वीमेन के राइट्स को इंपैक्ट कर रहे हैं तो उसमें फिर ज्यादा नहीं लिखना लेकिन सो दे सो वर्ड उसको दिखाओ दैट आई नो दिस इज द कंसर्न फॉर एक्साम्पल टेक्नोलॉजी की वजह से जो लॉस ऑफ प्राइवेसी है कि फीमेल हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा एटसेट्रा या उनके कोई पर्सनल फोटोग्राफ किसी के एक्सेस कर लिए वो अपलोड कर लिए इंटरनेट पे एटसेट्रा या एमएमएस बनना ये सीक्रेट कैमराज तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी इज कॉजिंग द लॉस ऑफ प्राइवेसी तो यस तो इस पे बारे में थोड़ा लिखना लेकिन ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना ऐसे है टेक्नोलॉजी इज अ मेजर रिफॉर्मर तो फोर हंड्रेड वर्ड आपके उसी पे होने चाहिए ओके लास्ट में हंड्रेड एक वर्ड में आप ये आस्पेक्ट डिस्कस कर सकते हो ओके okay. उसके बाद टेक्नोलॉजी इज नॉट डिजाइन फॉर फीमेल्स अब आपने बहुत बार सुना होगा फीमेल बहुत रोड एक्सीडेंट्स करती है कार बाइक ड्राइविंग में अब इसकी वजह वजह गाइज नॉट बिकॉज दे आर स्टेटिस्टिकली आर बैड ड्राइवर्स बट आपकी जो कार्स है आपकी जो टू व्हीलर्स है ये सारी डिजाइन की गई है कंसिडरिंग कि मेल ड्राइवर विल बी देयर टू ड्राइव ओके okay? और इसकी वजह से इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर फीमेल्स टू एंड टू यूज टेक्नोलॉजी इज नॉट एडो सुटेड उनके लिए डेवलप नहीं की गई स्पेसिफिकली उनको माइंड में रखे विमेन सेंट्रिक अप्रोच से नहीं बनाई गई और उसकी वजह से फिर टेक्नोलॉजी में बहुत दिक्कतें होती है जैसे फॉर एग्जांपल अभी फीमेल इन नेवी फाइटर पायलट आ गई या एयरफोर्स में आ गई तो मोस्ट ऑफ द फाइटर पायलट्स की जो सीट थे वेर डिजाइन फ्रॉम द मेल्स देयर वेट हाइट बॉडी रेशियो के हिसाब से तो पूरा वो डिजाइन चेंज करना पड़ा तो टेक्नोलॉजी में ये जो फीमेल सेंट्रिक व्यू पॉइंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा विच इज मेजर कंसर्न तो आप उसके बारे में भी थोड़ा लिखो देन लैक ऑफ फीमेल सेंट्रिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड वो पार्ट मैंने जो बताया देन डिजिटल डिवाइड एंड लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन अमंग फीमेल्स ओके लार्जली गाइस फीमेल का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में काफी ड्रॉप हो रहा है

लार्जली दे आर टेक्नोलॉजिकल जॉब्स आपको रिसेप्शनिस्ट बनना है या कोई कॉल सेंटर में जॉब करना है यू नीड टू बी टेक्नोलॉजी ओके और रूरल एरिया में फीमेल्स डोंट गेट दैट ऑफ डिजिटल एजुकेशन फाइनेंशियल एजुकेशन एक्सेट्रा तो ये जो डिजिटल डिवाइड भी मेजर फैक्टर है फीमेल कांट टोटली हार्वेस्ट द अपॉर्चुनिटी दैट टेक्नोलॉजी इज गिविंग डेम तो वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है इन व्यूमेन्स राइट तो इसके बारे में भी सो डेढ़ सौ वर्ड में लिखना देन उसके बाद सोल्यूशन ओके अब सोल्यूशन सो वर्ड आ, आ, सो वर्ड में अब सोल्यूशन मतलब क्या कि आज अब इसके बाद क्या क्या और प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी के जो हम इंप्रूव कर सकते हैं एंड वी कैन मेक इट मच बेटर फॉर द फीमेल्स तो हर एक ऐसे में सो एक वर्ड एंड में ये लिखना ही लिखना है सो डिस्कस एरियाज इन विच टेक्नोलॉजी कैन फर्दर प्ले एन एम्पॉर्मिंग रोल फॉर व्यूमेन्स राइट्स फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी लार्जली ऑफ रूरल पॉपुलेशन में या एग्रीकल्चर में फीमेल वर्क फोर्स लेबर फोर्स ज्यादा है ओके okay? इंडिया का एग्रीकल्चर uh, में लेबर पार्टिसिपेशन जो है वो फीमेल का ज्यादा है मेल से लेकिन फिर एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी है ट्रैक्टर्स हो या बाकी कोई टूल्स हो जो खेत में ऑपरेट करने ओके दे आर नॉट एडेप्टेड और डेवलप सो दैट फीमेल कूड यूज इजीली तो फेमिनाइजेशन जो होना चाहिए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का वो एक uh, होना बहुत जरूरी है देन इन कुकिंग अभी तक आप आ, आ, बहुत सारे हमने एप्स या आ, AI टूल्स आ रहे हैं या बहुत सारे ऑटोमेशन जो हो रहे फिर वो वॉशिंग मशीन हो डिश वॉशर हो एक्सेट्रा लेकिन कुकिंग विच इज लार्जली अ टास्क ओके जिसमें अभी तक ए का आना या ऑटोमेशन का आना आ, बाकी है ओके okay? ऐसा नहीं कि ए नहीं है ऑटोमेशन नहीं है वहां पे ओके लार्जली मोस्ट ऑफ द जो होटल्स होते हैं वहां पे बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स होते हैं बट दे आर क्वाइट कॉस्टली तो वो ईजी टू यूज टेक्नोलॉजिकल टूल्स बने कुकिंग में उनकी एड करने के लिए तो बहुत सारा वर्कलोड फीमेल का कम हो सकता है और दैट कैन रिफॉर्म द वीमेन्स राइट एंड देन वर्क फ्रॉम होम इशूस बहुत सारी फीमेल्स uh, 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 के लिए जो लॉस बनने चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम में अगर किसी को चाहिए तो दे शुडन बी इंसिस्टेड कम टू ऑफिस तो ये जो वर्क लाइफ का कल्चर भी चेंज होगा तो फीमेल को uh, काफी हेल्प होगी या टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा अपग्रेड होगी दे कैन वर्क फ्रॉम होम वेरी इजीली फॉर एग्जांपल मेटावर्स की टेक्नोलॉजी आती है थ्री uh, डी uh, uh, ये ऑगमेंटेड रियालिटी वर्चुअल रियालिटी तो घर से ऑफिस ऑफिशियल मीटिंग अटेंड करना ज्यादा रियलिस्टिक होगा एंड इट विल बी मच हेल्पफुल सो भाई सोल्यूशन का जो पार्ट है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन लिखने के ओके okay, अब यहां पे वो चीजें मत लिखो जो ऑलरेडी हो चुकी है मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स ये करते हैं कि सोल्यूशन में देर शुड बी टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट या बहुत ओपन इंडेड चीजें लिखते हो ऐसा नहीं करना ओके okay, जो भी एक सोल्यून लिख रहे हो कम भी लिखो तो भी चलेगा लेकिन बहुत टू द पॉइंट सोल्यूशन देना ओके okay, कि जो नहीं हुए जो इंप्लीमेंट करने हैं वो चीजें मत लिखो कि जो ऑलरेडी हो चुकी है ओके okay, या ऑलरेडी लाइक मोबाइल फोन्स ऑलरेडी फीमेल मोबाइल फोन्स आर देयर फीमेल्स आर यूजिंग इट सारी बाकी भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ चुके हैं जहां पे नहीं है टेक्नोलॉजी अभी वो पार्ट इज फोकस एरिया तो सोलूशन शुड बी यूनिक एंड शुड बी दो रिपीट करना दैट्स दैट्स नॉट सोल्यूशन ओके आप यूपीएससी के एग्जाम लिख रहे हो तो कंटेंट भी उस लेवल का होना चाहिए दिखाओ एग्जामिनर को सोल्यूशन में कि कल मुझे आई बनाया हाउ मच आई कैन सोल्यूशन आई कैन कम अप ओके तो इसलिए फिर वही यूनिक सोल्यूशन लिखना और ओपन इंडेड नहीं देअर शुड बी फर्दर एमपावर टेक्नोलॉजी ऐसे नहीं टू द्वारी बाकी है ए आई इन कुकिंग बाकी है कितना प्रिसाइस कंटेंट लिखते हो गए okay, तो मैं बहुत बार आपको बोला हूँ कि राइट मोर देन अदर्स मल्टीपल डायमेंशनल राइट बेटर टू द पॉइंट कंटेंट ओके तो ये राइट बेटर राइट मोर देन अदर्स एंड राइट टू द पॉइंट यह बहुत मैटर करता है अब यह सारा भी आपने एड्रेस कर लिया सोल्यूशन okay, जो दिए आपने वो भी इंप्लीमेंट हो गए क्या उतने से वुमेन का एम्पावरमेंट होगा ओके सो यस टेक्नोलॉजी कॉज फॉर एज रिफॉर्मर ऑफ वुमेन्स राइट लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी आने से रिफॉर्म नहीं होते okay, uh, उसके लिए बहुत दूसरी भी चीजें जरूरी है सफिशियंट कॉजेस uh, uh, उसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा सो ये टेक्नोलॉजी नेज नॉट सफिशियंट

ओके ओके तो आपने सारे डिबेट कर लिए वो भी जरूरी है और वो होने के बाद कंक्लूजन कंक्लूजन मैंने जो बोला जितने भी सोल्यूशन दिए जितने भी सफिशियंट एंड सारे हमने एड्रेस ओके एंड टेक्नोलॉजी बहुत वेल डेवलप हो चुकी है पचास साल बाद इंडिया कैसा होगा दुनिया कैसी होगी फुल्ली टेक्नोलॉजी एम्पावर्ड ओके okay, कि करो घर में रोबोट से आपके कुकिंग करने के लिए ओके okay, तो वो टाइम दुनिया कैसी होगी काइंड ऑफ वर्ल्ड विल बी फॉर द फीमेल्स इस तरह से कोई एक ऑप्टिमिज्म के साथ थोड़ा आ, 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 क्या कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स सोच के थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचरिस्टिक सोच के आप कंक्लूजन लिख सकते हो या फिर और यहीं पे आपको टैलेंट दिखाना है वो ऑप्टिमिज्म Uh, आपका फ्यूचरिस्टिक विजन uh, कि कहा या किस uh, किस लेवल की दुनिया हम क्रिएट कर सकते okay? हैं uh, awesome आपका ये कंक्लूजन का पार्ट और इसके बाद गाइस अगर ये नहीं आ रहा आपको करने के लिए तो पूरा ऐसे को समराइज करो सो इन दिस एसे वी दस डिस्कस्ड और अंडरस्टूड ओके हाउ इन हिस्टोरिकली टेक्नोलॉजी ग्रेट एक्सटेंट लिबरलाइज द और ओके एंड देन वी वीट ऑन डिस्कसिंग हाउ टूडे Okay, in different sectors uh, technology has played an important role uh, and especially by removing muscle power and increasing uh, financial uh, or economic independence of the females then in essay we, uh, we also discussed where or uh, and also we explored where technology can further play a, a role of a reformer of a women's rights and if we properly implement those okay uh, will be uh, good enough but not sufficient Okay, and so along with technology, we uh, some other factors that we need to work it on. And one day, if we could manage this uh, uh, total overall, uh, uh, if we are able to address all these aspects overall, then definitely technology uh, uh, and other factors together will create a world, okay, where females are totally and equally empowered as the males. So, इस तरह से बेसिक अभी जो मैंने कंटेंट दिया गाइज यू कैन यूज दिस सेम कंटेंट एंड ट्राई टू राइट यूर से लेकिन जितने वीडियोज देखेंगे वो सारे भी यही कंटेंट ट्राई uh, करेंगे तो इसके लिए देन सेफ ऑप्शन आपका uh, ये होगा कि यू शुड फोकस ऑन एडिंग योर यूनिक कंटेंट ऑल्सो थोड़ा अपना आंसर uh, अलग बनाने के लिए सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टेट फॉर द Uh, next video and do share uh, these videos with your friends guys and help me grow so i am now going to focus a little bit more on my uh, online presence social media presence so that will be of great help so